हिमाचल में रिवाज बदला है और रिवाज के साथ ही आवाज बदल गई है। आवाज आ रही है कांग्रेस 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 को जीत हुई है सुलभ। और क्या कह रहे हैं गौरव बल्लेव, आइए सुन लेते हैं। सर, हिमाचल में आपको जीत मिल गई है, कैसे देख रहे हैं? बड़ी जीत है। बिल्कुल बड़ी जीत है और ये जीत हिमाचलियत की जीत है, हिमाचल के लोगों की जीत है, देवभूमि की जीत है। ये जीत हमने जो जो बातें और जिस पॉजिटिव एजेंडा के साथ कैंपेन किया, उस कैंपेन की जीत है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम की जीत है, ये महिलाओं को सस्ते दाम पे सिलेंडर देने की जीत है, ये स्वाभिमान राशि देने की जीत है, ये अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के कमिटमेंट की जीत है। और मैं पूर्ण जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे बधाई संदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला, जो राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बोला, जो प्रियंका गांधी जी ने बधाई संदेश के माध्यम से बोला, कि जो जो वादे हमने किए हैं उसको अक्षरश वर्ड बाय वर्ड पॉइंट बाय पॉइंट पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अब चलेगी हिमाचल में एक ही बयार जिसका नाम है विकास की बयार। अब झूठ फरेब धोखा लोगों के साथ फ्रॉड करना ये सब खत्म होंगे। अब हिमाचल के लोगों के सामने एजेंडा प्रस्तुत होगा ओल्ड पेंशन स्कीम का, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का, युवाओं के पलायन को रोकने का, महिलाओं को सस्ते सिलेंडर देने का और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा। सर, एक जिम्मेदारी तो गुजरात में भी बनती है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने प्रचार भी किया, सारे नेता जमीन पर उतर रहे थे, हेलीकॉप्टर से भी प्रचार करने के लिए जा रहे थे, रैलियां भी हो रही थी, लेकिन गुजरात के अंदर कमी आखिर कहां रह गई? 1/4 सीटें भी इस बार आप नहीं आ पाए पिछली बार की अपेक्षा। मैं पूरी जिम्मेवारी से जनता के द्वारा दिया गए मैंडेट को स्वीकार करता हूँ, हमारी पार्टी स्वीकार करती है और हम हाथ जोड़ के उन सभी मतदाताओं का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हम पे विश्वास रखा, जिन्होंने हमें वोट दिया। और हम पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि हम हमारी कमियों का, क्या हमारी कमी रही गुजरात के अंदर, उसका आत्मावलोकन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और आने वाले चुनाव में गुजरात के लोगों की एक्सपेक्टेशन जो हम इस बार पूरा नहीं कर पाए, आने वाले चुनावों में उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करके उनका विश्वास भी हासिल करने का काम जरूर करें। हिमाचल से जुड़े हुए मेरे आखिरी दो सवाल है। पहला सवाल कि हिमाचल में सीएम फेस कौन होगा, और दूसरा सवाल ये है कि हिमाचल में कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं थोड़ा डर सता रहा है, इसलिए खबर ये भी है कि विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। डर वर की कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी के ऑब्जर्वर्स दिल्ली से गए, राजीव शुक्ला जी जो कांग्रेस के हिमाचल के इंचार्ज है, हुड्डा साहब,